जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में उत्तराखंड के 25 वर्षीय कैप्टन दीपक सिंह शहीद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में उत्तराखंड का एक जवान बलिदान हो गए। मुठभेड़ में देहरादून निवासी 25 वर्षीय कैप्टन दीपक सिंह का बलिदान हो गया। कैप्टन दीपक सिंह 13 जून 2020 को सेना में कमीशन हुए थे। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर देहरादून लाया जाएगा। इस मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के समूल नाश के लिए सुरक्षाकर्मी पहाड़, घाटी और कई अलग अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस क्रम में बुधवार को डोडा के आसार इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। आतंकी मुठभेड़ में देहरादून निवासी 25 वर्षीय कैप्टन दीपक सिंह अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। गुरुवार को देहरादून लाया जाएगा शहीद कैप्टन का पार्थिव शरीर। शहीद कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर गुरुवार को देहरादून लाया जाएगा। कैप्टन दीपक सिंह का परिवार देहरादून में रेस कोर्स में रहता है। कैप्टन दीपक 13 जून 2020 को सेना में कमीशन हुए थे। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर दून लाया जाएगा। शहीद कैप्टन को मैं अपने चैनल के माध्यम से सत सत नमन करता हूं और मैं नमन करता हूं उन माओं का जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।